तो उसके लिए उसका तरीका ये है, बेसिकली हमने ऑन क्लिक इधर लगाया हुआ है, तो कर्सर पॉइंटर ये लगा हुआ है, तो इस पे है, इस पे ऑन क्लिक होगा तो क्या होगा, ऑन, सॉरी, ऑन क्लिक पे अभी मैं लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अभी फिलहाल हेलो, सो क्विक क्लिक करेगा तो कन्वर्सेशन। अच्छा, तो अभी जो हमारा स्नैरियो है वो बेसिक ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या पड़ा होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोई यूज़र कोई स्पेसिफिक सेट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बेसिकली ये एक है। सो लेट्स से हम इसको कह देते हैं कि कुछ ना हो तो फिर। अच्छा, इसके अंदर भी एक मज़े की चीज़ है कि लेट्स से अगर कोई यूज़र आता है जिसकी चैट नहीं है तो उसका क्या करना है, उसको भी हैंडल कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर मैंने कन्वर्सेशन को मैप करा दिया बेसिक सिंपली, तो उससे पहले ये होना चाहिए था कि मैं कन्वर्सेशन को चेक कर लेता कि कन्वर्सेशंस जो हैं उसकी जो लेंथ है ठीक है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे ये दिखा दे, एल्स, एल्स की कंडीशन की तरह ये आ गया, तो एल्स मुझे इस तरह का कुछ नो कन्वर्सेशन टाइप आ जाए, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर कोई, तो नो कन्वर्सेशन का इस तरह का फिल्टर आ जाएगा, तो फिर मुझे मार्जिन टॉप ऑटो दूँ तो क्या होगा, तो बेसिकली इसको मुझे, अच्छा इसके ऊपर ये भी आ रहा है, क्यों आ रहा है वो इस चीज़ का है ठीक है, तो मार्जिन टॉप की बजाय मैं कह देता हूँ मार्जिन टॉप ही बल्कि थोड़ा नीचे तक आ जाए, तो बेसिकली इस तरह आ जाएगा नो कन्वर्सेशंस का ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, अच्छा इसको हटा देते हैं अभी, उसके बाद क्लिक करेगा तो उसकी चैट खुल जानी चाहिए, तो चैट का बेसिकली सीन ये होना चाहिए कि हम इसको भी चीज़ें तो करनी चाहिए, तो लेट्स से ऑन क्लिक पे हम तो बेसिकली हम क्या करेंगे ऑन क्लिक पे फेच कन्वर्सेशंस, नहीं कन्वर्सेशन ठीक है, या फेच मैसेजेस कर देते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा मैसेजेस, और इसके साथ हम कन्वर्सेशन आईडी भेज देंगे ठीक है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा फेच कन्वर्सेशन, एक मिनट। अच्छा इसके अंदर क्या होगा, सेम डिटो जैसे हमने यूज इफेक्ट में फेच कन्वर्सेशंस किया था उसी तरह एक कॉल जाएगी, एपीआई यही नाम है, एपीआई मैसेज ठीक है, सॉरी सॉरी, अच्छा मैसेज स्लैश कन्वर्सेशन, अच्छा नहीं इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कन्वर्सेशन आईडी बॉडी में चाहिए होता है, अब हम उसमें नहीं यूज़ करें, तो इसको एक तो चीज़ ये हट जाएगी ठीक है, गेट हेडर नहीं है, गेट जो कि बॉडी इसमें आएगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कन्वर्सेशन आईडी चाहिए हमें, वो कन्वर्सेशन आईडी हमें उधर से मिलेगी, सेंडर आईडी चाहिए जो कि एक यूज़र की आईडी है ऐसा ही है सॉरी, अच्छा सेंडर आईडी चाहिए हमें बेसिकली, तो सेंडर आईडी जो कि यूज़र की आईडी है, सॉरी और किधर जाना था, चाहिए क्या हमें सेंडर आईडी, मैसेज, मैसेज क्या है, ओह ये तो पोस्ट रिक्वेस्ट है सॉरी, गेट रिक्वेस्ट, अच्छा हमें आगे चाहिए थे जी कर लेना, अच्छा कन्वर्सेशन आईडी चाहिए, कन्वर्सेशन आईडी अगर न्यू है, कन्वर्सेशन आईडी पैरम से न्यू कैसे आएगी, न्यू, अच्छा हम भेजें, ओ बेसिकली ये वो था ना कि हमने हम भेजेंगे कन्वर्सेशन आईडी न्यू की, अभी उसने यूज़ वो क्लिक किया है सर यूज़र को तब है, तो ये तो अलग चीज़ है, तो मैसेज करेंगे फाइंड कन्वर्सेशन आईडी, बेसिकली हमें सिर्फ कन्वर्सेशन आईडी चाहिए ऐसे ही, तो हम कन्वर्सेशन आईडी निकाल लेते हैं, अच्छा कन्वर्सेशन आईडी भेज दी, फिर फेच मैसेज किया, एक यू स्टेट दोबारा बना लेते हैं जिसके अंदर मैसेजेस आ जाएंगे, कॉन्स्ट मैसेजेस ठीक है, तो फेच मैसेजेस के बाद हम इसको सेट करा लेंगे रिस्पॉन्स डाटा, सेट डाटा के नाम से, तो रिस्पॉन्स में आएगा हमारे पास क्या और कुछ चाहिए ठीक है गुड है, चेक कर लेते हैं कंसोल नेटवर्क, अच्छा क्लिक किया मैंने तो रिस्पॉन्स डाटा आ गया मेरे पास,
कन्वर्सेशन यही रिस्पॉन्स टाटा के नाम से ना, हाँ ठीक है यही है। तो मैसेज आ गया हाय और अरे अरे आ जाएगी मैसेजेस, तो साथ साथ यूज़र भी आ रहा है जो कि इरेलीवेंट हमें चाहिए नहीं यूज़र, तो या यूज़र हमें तब चाहिए हो सकता है जब हमने उसका नाम इंडिविजुअली शो कराना हो, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। तो एक तो ये यूज़र की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं, वी जस्ट नीड अ मैसेज, मैसेज डॉट मैसेज। वाह ये कैसे आ रहा है, खैर क्या कर सकते हैं, मेरे ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही जाने देते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। तो अभी मुझे से मैसेज की है, तो अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स डाटा, तो दिस इज़ एडमिन और इसका मैसेज आ जाएगा, लुक्स गुड। ओ नहीं 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 सॉरी, बेसिकली चाहिए तो है हमें और वो इसलिए चाहिए बेसिकली, हम इसके अंदर आईडी भी ऐड कर लें, चलें आईडी भी ऐड कर लेते हैं, यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। वो हमें इसलिए चाहिए कि हमने वेरीफाई आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी चैट है और कौन सी यूज़र की चैट है, ठीक है। तो उसमें से वेरीफाई करने के लिए हमें यूज़र चाहिए होगा। सो लुक्स गुड, मैसेज हमारे पास आ गया, अरे आ गई। तो अब हमने इसको करवाना है लूप, तो ये चीज़ है डिव में। अच्छा इसको हमने लूप नहीं कराया हुआ, इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक मैसेज, अच्छा सबसे पहले तो दो मैसेजेस मैं पड़े रहने दूंगा, ठीक है, फॉर रेफरेंस की चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर हम मैसेजेस की लेंथ चेक कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो सिंपली इसमें कुछ डाटा इरेलीवेंट्स आ रहा है, लेकिन मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ये भेज रहे होंगे, लेकिन हम ये चीज़ें भेज नहीं रहे। बेसिकली मैसेज को मैप किया, मैसेज को मैप किया, यहाँ पर आया, इसमें से चीज़ें मैसेज हैं, तो उसने बेसिकली मैसेज निकाल लिया और यूज़र ने यूज़र है, अच्छा यू बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी दे देते दे। यूज़र में से हम इसकी डायरेक्ट आईडी यहाँ से ऐसे इस तरह फेच कर सकते हैं कि डायरेक्ट मैं आईडी को फेच करना चाह रहा हूँ, सॉरी आईडी के सिंपली आईडी है, अच्छा आईडी बेसिकली मैं चाह रहा हूँ। अब क्या है, इधर कंडीशन ये लगेगी, ठीक, कि इफ़ आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी की है, मतलब कि यूज़र आईडी जो हमने यूज़र आईडी की इक्वल है तो रिटर्न कर दे, ये यूज़र आईडी के थे ना, हाँ, तो फिर ये वाली डिफ रिटर्न कर दे। ओ थोड़ा बैड सीन हो गया, अच्छा यस लुक्स गुड, ठीक है, अगर ठीक है एल्स ये वाला हटा दें, फिर एल्स बेसिकली फिर दूसरे यूज़र की होगी, अच्छा मैंने वो एक्स करी जा रहा था, कह रहा अब हट रहे हैं तो मिटाई देते हैं, एल्स हमें ये वाली चीज़ चाहिए फिर, सो दैट्स हाउ इट्स। अच्छा इसकी रह गए एंड वाला, किधर गया ये रहा, एंड पे हम नो मैसेज करके कुछ कर देते हैं, देख लेते हैं ये कैसा लगता है। अच्छा मैसेज, अच्छा ये मैसेज आ जाएगा यहाँ पर भी, अच्छा एक, हाँ एक और तरीका ये है वो भी मैं बता देता हूँ कि इसको इफ एल्स की कंडीशन में लगन पहले एक दफ़ा चल जाए। सो दिस इज़ एडमिन का मैसेज तो आ गया है, लेकिन हाय दिस इज़ यूज़र का मैसेज गायब हो गया, तो वो गायब क्यों हुए हैं देख लेते हैं, P14 है, दिस इज़ एडमिन, अगर है आईडी यूज़र आईडी से मैच कर जाती है, एल्स में बेसिकली यहाँ पर रिटर्न लगाना भूल गया, हाय दिस इज़ एडमिन, हाय दिस इज़ यूज़र, सो दैट्स हाउ इट्स लुक। अच्छा इसको मैं ये कह रहा था कि अगर इसको करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बेसिकली चीज़ें सेम है, तो बजाय इसके कि सब कुछ इतना ज़्यादा करना है, हमें सिंपली एक ही रिटर्न में सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एक ही क्लास यूज़ कर सकते हैं इस तरह की, ठीक है। और जो चेंजेस हैं, सॉरी एक डिफ भी है और इसके अंदर आ जाएगा मैसेज। अच्छा सो अगर हम देखें तो ये वाली चीज़, ये प्राइमरी है क्या, ठीक है, एक प्राइमरी, एक आ जाएगी प्राइमरी वर्ड, ठीक है, इसको हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, एंड पे रख देते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो एंड पे कर देते हैं, बीजी प्राइमरी आ जाएगी, फिर
राउंडेड टी एल ये आ जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा जो राउंडेड टी एल है और टी आर है इसको भी यहाँ से निकाल कर एंड पे कर देते हैं। पी फोर, पी फोर उधर भी है, टेक्स्ट वाइट है और एम बी सिक्स ये भी है। एम एल नहीं होगा, इसको भी निकाल के साइड पे कर देते हैं। ठीक, अब ये चीज़ें होगी हमारे पास। क्लास नेम, अच्छा ये एरर क्योंकि इधर कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा मैक्स 40 ये सब कुछ तो सेम रहेगा, बॉटम भी ये सेम है। हाँ ठीक है, ये सब कुछ सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो ये आखिरी चीज़ें। तो इधर अब हम लगाएंगे अपनी कंडीशंस के आईडी जो है वो इज इक्वल इक्वल्स टू, यूज़र सॉरी हाँ यूज़र डॉट आईडी के, आईडी के अगर है तो क्या हो, अगर नहीं है तो क्या हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे, अगर यूज़र आईडी के है मतलब कि यूज़र है तो फिर हम ये वाली क्लासेस लगे, और अगर नहीं है तो उसमें बेसिकली हमने एक ये क्लास है और एक ये राउंडेड टी आर क्लास है, बस ये क्लास लग जाए। ठीक, और बाकी का जो इफ एल्स इतना हमने लगाया वो हटा दें। सो टेस्ट कर लेते हैं कि चलता कि नहीं। अच्छा ये भी वाइट हो गया, अच्छा वाइट भी हमने उस पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो टेक्स्ट वाइट जो है वो भी डाल लेते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं बेसिकली इस तरह फिट चल रही हैं, हाई दिस इज़ एडमिन और हाई दिस इज़ यूज़र। तो चीज़ें ये वाली भी फिट हो गई हैं, और जो ऊपर नाम चेंज करना है वो चेंज कर लेते हैं। अच्छा इसको ट्रू करके एक दफ़ा देखना था कि उसमें किस तरह आ रहा है, तो नो मैसेजेस आ जाता है। सो इसको मेरे ख्याल से जो हमने ऊपर ये बनाया इसके अंदर भी यही कंडीशन लगेगी कि अगर यूज़र है तो ही ये चीज़ आए। तो बेसिकली लेट्स सी, इमेज हमने इमेज लगा दी, अभी हम इमेज को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जहाँ पर ये चेंज है वहाँ पर कन्वर्सेशन आईडी दी थी तो कन्वर्सेशन मैसेज आ गए थे और कन्वर्सेशंस आ गई थी उसके अंदर। बेसिकली हमने जहाँ पर सेट कन्वर्सेशन की थी उसके साथ नाम वगैरह आ रहे थे, तो सेट कन्वर्सेशंस में हमने नाम जो उनसे हैं सेट कन्वर्सेशन में हमने रिस्पॉन्स डाटा सारा डाल दिया था, ऐसा ही है। और कन्वर्सेशन, अच्छा ये यूज़ इफेक्ट हमने ऊपर डाल दिया और उसको नीचे, खैर इसको हम सही कर लेते हैं। अच्छा अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि ये चीज़ें नज़र आए। ठीक है, ये यूज़र सेट यूज़र कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन मैसेज भी सेट हो गया है। तो सेट कन्वर्सेशंस इसमें यूज़र कन्वर्सेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा सेट कन्वर्सेशन में सारी साइट की सेट कन्वर्सेशंस, और फेच मैसेज के अलावा इधर आ जाएगा फेच मैसेज। ठीक है, तो बेसिकली ये सोच रहा हूँ कि अगर जब उस पर क्लिक करे बेसिकली, क्योंकि मैसेज जिसका है उसी का नाम आना चाहिए, तो जिस पे वो क्लिक करे तो जब हम ये फेच मैसेजेस कर रहे होते हैं और कन्वर्सेशन आईडी भेज रहे होते हैं और तो उसके अंदर जो ये चीज़ें परफॉर्म कर लें, जैसे कन्वर्सेशन आईडी आ गई उसके अंदर रिस्पांस डाटा डाल दें। ठीक है, और रिस्पांस डाटा में बेसिकली मतलब कि जहाँ पे कॉल कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे कॉल कर रहा है, कन्वर्सेशन आईडी भेज रहे हैं, इसके साथ हम इसके अंदर यूज़र भी भेज दें। ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर भेज दें, जो गेट करेगा फिर यूज़र आ जाएगा, यूज़र और रिस्पॉन्स डाटा बेसिकली इस तरह का होगा, रिस्पॉन्स डाटा और साथ यूज़र आ जाएगा। कर लेते हैं मैसेजेस और यूज़र के अंदर यूज़र। ठीक, फिर यूज़र या रिसीवर कर देते हैं ताकि हमारे जो नाम है लाइक यूज़र हम भी हैं, लॉग्ड इन यूज़र भी और एक दूसरा यूज़र भी है, तो उसको अच्छा रिसीवर कर देते हैं। अच्छा सेट मैसेज कर दिए, मैसेजेस आ गए। अब जहाँ पे हम मैसेजेस को लूप करवा रहे हैं, मैप करा रहे हैं, यहाँ पे मैसेजेस डॉट मैसेजेस आ जाएगा, क्योंकि अब मैसेजेस
ये भी काम मैंने कर ली। अच्छा तो अब ये हो जाएगा, ठीक है। मैसेजेस डॉट मैसेजेस आ जाएगा, मैसेजेस, मैसेजेस के अंदर अगर मैसेजेस कुछ मग डाल देते हैं, वो ये अरे है मैसेजेस के अंदर जो मैसेजेस हैं वो अरे है, हम उसके अंदर भेज देंगे। एक लूप है और एक अलग से, हाँ फिट है। अच्छा तो फिर क्या करेंगे हम, मैसेजेस डॉट मैसेजेस को मैप कर देंगे अगर उसकी बड़ी है, ठीक। ये हो जाएगा, लेट्स चेक इट आउट, रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि चीज़ें आ जाएं। क्लिक किया, ये फट गया क्यों, मैप मैप फंक्शन। अच्छा बेसिकली मैसेज को मैंने पहली बात वो नहीं कर पाया, उस मैसेज को करवा के देख लेता हूँ कि क्या करता है मैसेज, मैसेज में आता क्या। ये मेरे पास आ गया, इस पर क्लिक किया, फट गया। अच्छा मैसेजेस तो पड़े हैं यार, मैसेजेस मैसेजेस तो हैं और रिसीवर भी है, तो इसको मसला क्या रहा है। अच्छा सॉरी, एरर चेक कर लेते हैं, एरर कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड मैप। अच्छा फिर गलत लफ्ज़ लिख दिया ना, मैसेजेस है, ठीक लुक्स गुड। अच्छा अब जो हमारे पास आ गया तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, यही सेम कंडीशन। कर्सर पॉइंटर कहाँ है, चेंज तो नहीं किया यार, किया भी हो तो हम बाद में देख लेंगे। ये कर्सर पॉइंटर सिर्फ यहाँ तक है, तो ये डिव है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है तो इसको ही हम कर देते हैं ये। अब मैसेजेस डॉट मैसेजेस की लेंथ तो नहीं चाहिए हमें, ये कर सकते हैं, हाँ रिसीवर होना चाहिए इसमें, सिर्फ यही हमें चाहिए रिसीवर हो, बाकी इसके अलावा तो आई गेस कुछ नहीं चाहिए हमें। उसके अंदर रिसीवर की लेंथ नहीं चाहिए होती, अगर मैसेज डॉट रिसीवर है डॉट उसका क्या हम भेज रहे हैं, फुल नेम, फुल नेम के साथ कंडीशन लगाते हैं, फुल नेम अगर है तब हमें ये पूरा शो हो, ठीक है सही। एंड एंड कर दें, और फिर उसके बाद नाम को चेंज करके हम डायनामिक कर देंगे इस तरह। यह आ जाएगा यूज़र, अच्छा मुझे लग रहा पता नहीं क्यों 75 पी वाई थोड़ी सी कम हुई है, दिस लुक्स गुड। अच्छा तो ये यूज़र हमारे पास आ जाएगा, यूज़र आ गया तो यूज़र की चैट भी हमारे पास आ जाएगी। तो नाम हमारे पास हो गया और ये चीज़ें हो गई हैं, तो आई थिंक दिस इज़ गुड। रिफ्रेश करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। अच्छा ये क्यों इधर आई है, 75% हमने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है और 14% इसे। अच्छा वो वैसे ही इधर है, ठीक है वो वैसे ही इधर ही है। तो वो क्या देगा, नो मैसेजेस, और अच्छा इसका कुछ भी नहीं है तो बेसिकली नो मैसेजेस तो नहीं कहेगा, इसको कहना चाहिए नो कन्वर्सेशन, लेकिन वो इस वजह से इधर फंसा हुआ है तो क्या देगा। चलें अभी इसको ऐसे, और नो कन्वर्सेशन सिलेक्टेड,
नो मैसेज और नो कन्वर्सेशन सिलेक्टेड, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। सो लुक्स गुड। अब जो चीज़ है वो हमारे पास है इसका पोस्ट मैसेज, वो भी देख लेते हैं पोस्ट मैसेज किस तरह करेगा। तो पोस्ट मैसेज का बेसिकली ये सीन है कि डैशबोर्ड भी होगा वैसे। अच्छा इनपुट ये आ गया टाइप है मैसेज हमारे पास, थोड़ी खिचड़ी मची हुई है। ये है मेरे ख्याल से एम एल, आई गेस ये इसको एम एल पी ये है, ठीक है इसको कर देते हैं। तो इसको इस पे लगा देते हैं ऑन क्लिक, और इसको कर देते हैं सेंड मैसेज। सेंड मैसेज लुक्स गुड। अच्छा सेंड मैसेज तो कर दी है, वहाँ पर अब हमें एक चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वहाँ पर अब हम इसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्योंकि वो मैप में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं कि मैसेज में तो है। यस वी आर इन द मैसेजेस। तो ओके सो इसको भी हम इसको कंडीशन पे लगा देंगे कि ये तभी शो हो जब मैसेज हो। तो बेसिकली पूरा ही सेक्शन जो है हम कंडीशन बेस्ड रखेंगे कि पूरा सेक्शन ही सब शो हो लाइक दिस, कि मैसेजेस का रिसीवर का फुल नेम हो। फुल नेम, अच्छा फुल नेम रख रहे हैं। अच्छा मैसेज में कन्वर्सेशन आईडी तो चाहिए होती है, तो कन्वर्सेशन आईडी तो हम शायद रख भी नहीं रहे। चल वो कर लेते हैं, रिसीवर में बेसिकली आ जाएगी। तो अभी फुल नेम पे काम चला लेते हैं कि फुल नेम चलें उस कंडीशन पे हम दिखाना चाहते हैं चीज़ें कुछ। तो ये है, इसको पूरा पकड़ के हम ऊपर ले आते हैं। सेंड मैसेज इज नॉट, ओह सॉरी इसको डिफाइन नहीं किया हमने। कॉन्स्ट सेंड मैसेज एसिंक फंक्शन, अभी ऐसे बंद कर देते हैं। तो बेसिकली इसको फॉल्स भी करके देख लेते हैं, हमें ऐसा चाहिए था कि ओवरऑल कंडीशन लगा लेनी चाहिए। लेट्स सी देख लेते हैं उसको भी। तो हमारे पास बटन शो हो रहा है ऑन सेंड का, क्लिक चला जाएगा उस पर। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो देखनी पड़ेंगी। क्लास नेम इधर हमें चाहिए, तो वैल्यू चीज़ें चाहिए कुछ, तो इसके लिए अब हम एक बना लेते हैं कॉन्स्ट मैसेज के नाम से, ठीक है इधर मैसेज टाइप हुआ करेगा। तो प्लेस होल्डर इसका जो है वैल्यू वो बेसिकली आ जाएगी मैसेज, और ऑन चेंज आ जाएगा बेसिकली इसका सेट मैसेज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई यहाँ से आएगा इवेंट से। अच्छा तो अब चेक कर लेते हैं नो मैसेज और कन्वर्सेशन सिलेक्टेड। तो या चल रहे उसको बाद में देख लेंगे। अच्छा ऑन क्लिक पे हमने सेंड करना है, सेंड को रिक्वेस्ट भेज देनी, सेंड को भेजना है कि हमने बेसिकली। अच्छा सेंड तो हो रहा है मैसेज, और इसको अच्छा ये सेंड का बटन है, यहाँ पे कुछ डायनामिक एक प्रॉपर्टी लगने का लगाने की सोच रहा हूँ, वो है डिसेबल्ड का, और डिसेबल्ड होती है ना आई गेस, डिसेबल्ड डिसेबल्ड क्या है। अच्छा वो डिसेबल स्टेट में उसको क्या करना है, या इसके अलावा भी वैसे भी वो होगी मेरे ख्याल से, सबके लिए नहीं होती। अच्छा तो इसके अंदर बेसिकली हम सिंपली बैकएंड पे भी ये चीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। अभी हम इधर ही कर देते हैं क्या, कि अगर मैसेज नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है तो पॉइंटर इवेंट नन कर देते हैं। उसका क्या मतलब, उसका मतलब अगर इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है नॉन क्लिकेबल है, कुछ लिखेंगे तो ये क्लिकेबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट मीन डस इट मीन। अच्छा यही चीज़ फिर हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं, अलग इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है अभी डाली ये सिलेक्ट करने की, लेकिन चलें क्या इसको भी इसके साथ कर देते हैं।
सो नेक्स्ट थिंग मैसेज का हो गया, सेंड होने का। अब सेंड मैसेज करेगा तो सेंड मैसेज पे चलते हैं। सेंड मैसेज क्या करेगा? सेंड मैसेज बेसिकली मैसेज सेंड कर देगा, लेकिन लेट्स सी। अच्छा ये हमें कुछ कह देता है, ई डॉट इवन, क्योंकि अभी हम सेंड मैसेज कर रहे हैं तो प्रिवेंट वैसे इधर ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबमिट पे नहीं हमने लगाया, वो जब सबमिट होता है तब चीज़ चलती है फॉर्म सबमिट। तो लोकल होस्ट 8000 और मैसेज रखा हुआ है और पोस्ट हेडर सब चीज़ हैं। स्ट्रिंगिफाई कन्वर्सेशन आईडी चाहिए, तो मैसेजेस डॉट रिसीवर आईडी है, हमें कन्वर्सेशन आईडी चाहिए तो वो भी हमें मिल जाती है। चलें सेंडर आईडी यूज़र डॉट आईडी चाहिए, मैसेज के अंदर मैसेज आ जाएगा और रिसीवर आईडी के अंदर रिसीवर आईडी, जो कि वो भी नहीं हम मंगवा रहे। तो सेंड करने का भूत पहले उतार देते हैं उस तरह कि हम ये कन्वर्सेशन आईडी के साथ सेंड आईडी कर रहे होते हैं, मैसेज के साथ ये रहा, हम यूज़र आईडी भेज देते हैं, यूज़र भेज देते हैं। अच्छा नहीं, इसके अंदर कुछ चेंज किया मैंने? ठीक है, बेसिकली इधर चेंज किया है। तो हमने रिसीवर में यूज़र डाल दिया, जो कि हमें यूज़र आ रहा होता है, और वो यूज़र कहाँ से आ रहा होता है कि मैं उधर चाह रहा हूँ कि ना कन्वर्सेशन आईडी डाल दूँ, तो सेट मैसेजेस में कन्वर्सेशन आईडी भी डाल देता हूँ। ठीक है, कन्वर्सेशन आईडी भी हमारे पास चलेगी, तो वहाँ से हमें मैसेजेस डॉट कन्वर्सेशन आईडी, यहाँ से मैसेजेस डॉट कन्वर्सेशन आईडी से कन्वर्सेशन आईडी आ जाएगी, यूज़र डॉट आईडी से सेंडर आईडी, मैसेज से मैसेज, अब रिसीवर आईडी। अच्छा रिसीवर से हमें कहाँ से आ रहा है? ये यूज़र आ रहा है और ये हमें कहाँ से आ रहा होता है? यूज़र, यूज़र हमें कन्वर्सेशन से आ रहा होता है। बेसिकली मैं ये देखना चाहता था कन्वर्सेशन से, लॉग्ड इन यूज़र, ओके सो कन्वर्सेशन से हमें आ रहा होता है, जिधर हम सारी कन्वर्सेशन गेट करते हैं वहाँ पर हमें आईडी भी, सॉरी उसका नाम वगैरह आ रहा होता है ना, तो उसकी आईडी भी वहाँ से मंगवा देते हैं। तो वो क्या है हमारे पास? ये है, ठीक है, यहाँ पर ईमेल आ रही होती है तो यहीं पे अब हम आईडी भी भेज देंगे, रिसीवर आईडी करके, वो है यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये रिसीवर की आईडी। ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि किसकी क्या आईडी है। तो रिस्पॉन्स डाटा में एंड कर दिया है, तो हाँ जब हम यूज़र उसमें भेजे, अब यूज़र के अंदर लेट्स से मैसेजेस के अंदर रिसीवर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? रिसीवर आईडी पड़ी है, ये चीज़ें पड़ी हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा ताकि हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो आ जाए। ठीक, ये आ गया, इसको क्लिक किया, मैसेजेस आ गए हमारे पास। ठीक, चीज़ें चेक कर लेते हैं, यूज़र आईडी आ रही फिट, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब हम मैसेज भेज देते हैं, दिस इज टेस्ट मैसेज, ठीक है, फ्रॉम एडमिन, ताकि हमें पता चले सही जगह से जा रहे। इस पर क्लिक करेंगे अब हम रिक्वेस्ट की, तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली हो गया, फ़ौरन शो नहीं हुआ, रिफ्रेश करेंगे अगर हम, और फिर इस पर क्लिक भी करेंगे, दिस इज़ टेस्ट मैसेज फ्रॉम एडमिन, बेसिकली मैसेज हमारा चला गया। अभी दो चीज़ें आपने देखी, एक के रियल टाइम नहीं किया, मतलब जैसे मैंने सेंड किया उसी टाइम मुझे यहाँ पर शो नहीं हुआ, रिफ्रेश करने के बाद शो हुआ। दूसरी चीज़, वो टेक्स्ट इधर का इधर ही लिखा रह गया, तो उसको तो हटा सकते हैं हम बेसिकली सेंड मैसेज करने के बाद। सेट मैसेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट किया तो है टेस्टिंग, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। तो एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं क्या हुआ है, मतलब जो सेट मैसेज वाला वो तो हम कर सकते हैं और किया भी हुआ मैंने कहा। हाँ ठीक है, सही, वो हो गया। दूसरी चीज़ है इस चीज़ की कि हमने वो नहीं किया हुआ। अच्छा एक चीज़ हट गई, वो मैसेज नहीं आया, दूसरा आ गया और हमारे पास अब ये मैसेजेस चल रहे हैं, वर्किंग फाइन। एक दफ़ा ये देख लेते हैं कि जो यूज़र है अगर उससे हम आएँ तो क्या हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो मैं यूज़र के अकाउंट से लॉगिन करता हूँ,
तो मैं लिखूंगा यूज़र @chat.com, साइन इन करूंगा, ये आ गया मेरे पास, इधर ही एडमिन आ गया बेसिकली, ये यूज़र हमारे प्रोवाइड आ गया और एडमिन के साथ हमारी सिर्फ चैट है, तो चैट सिर्फ एडमिन के साथ आ गई। क्लिक करेंगे तो हाय दिस इज़ एडमिन, हाय दिस इज़ यूज़र, दिस इज़ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम एडमिन और हेलो, अब हम उस तरह, और एडमिन हमारे पास आ गया। सो इट्स वर्किंग फाइन, हेलो एडमिन, आई एम यूज़र, सेंड कर देते हैं, सेंड हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ हमने देखी है वो ये है कि यहाँ से जो चैट सिलेक्टेड होती है वो गायब हो जाती है जब हम रिफ़्रेश करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ़्रेश का तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा शायद जब हम रियल टाइम पे करेंगे, तो तब तो हमारे पास वो होगा ही नहीं। ठीक, दूसरी बात, अगर इसको भी करना हो तो इसको भी हैंडल हम कर सकते हैं, इसका भी कि किसके साथ चैट लास्ट टाइम हुई थी, तो हम इसको भी कहीं स्टोर करवा कर यूज़ कर सकते हैं लोकल स्टोरेज टाइप। या फिर दूसरे ये है कि हम हमेशा जब भी वो रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश हुआ है तो हम फर्स्ट वाला मिल गए तो उसको सेलेक्ट कर लें, तो हेलो एडमिन आई एम यूज़र, तो वर्किंग फाइन, मैसेज टेक्स्ट सेंड हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। सो जो डिले है, जो कि वीडियो का अपने मेन पर्पस है, और सॉकेट AI, AI, IO सॉरी, जो कि काम आता है उसका जो मेन पर्पस है वो अब हमें समझ आएगा, कि बेसिकली socket.io ही है वो जो चीज़ जिससे हम रियल टाइम जो मैसेज लिखेंगे वो सेंड होगा और रियल टाइम ही रिसीव होगा, तो वो अब हम उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ थी वो है हमारे पास इधर सारे यूज़र्स, क्योंकि अब कन्वर्सेशन है नहीं और कहीं नई कन्वर्सेशन क्रिएट करने का हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई वे नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम हमने जैसे कि बताया था कि यहाँ पर हम जो है यूज़र्स सारे शो करवा देंगे, जितने भी हमारे यूज़र्स होंगे यहाँ पर वो शो हो जाएंगे और फिर उनके साथ भी हम कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।